सकते हैं, ये हमारे पास आ चुका है, TCL का साउंड बार आ चुका है, ये इसका स्पीकर है, ये ऊपर है, पहले 32 इंच का एंड्रॉइड प्ले स्टोर वाला है, ये TCL में ये भी पड़ा हुआ है। अलावा 32 इंच में हमारे पास फिर सोनी का भी लगा हुआ है, ये सोनी जापान है, ये भी 32 इंच में है। ये जो लगा हुआ है ये कर्व में लगा हुआ है, OLED 55 इंच का है, OLED ये कर्व में आता है, ये 3D भी है और ये भी OLED है, इसलिए साइड से आप दिखा रहे बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये सिंगल पीस का साउंड बार भी आता है, ये सिंगल पीस में है, ये सिर्फ एक ही पीस है, जो दूसरा था उसके पास ऊपर आता है, इसके पास ऊपर नहीं आता वाला जो है। ये 32 इंच का फ्रेम टीवी है, ये वाहिद रेडियो जो 32 इंच में QLED आता है, ये QLED 32 इंच में, इसको फ्रेम टीवी बोलते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है ये इसका LS03 मॉडल है, फ्रेम टीवी देख ले, फ्रेम टीवी लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी QLED, ये सैमसंग का QLED है 32 इंच में, ये वाइज LED 32 इंच में के QLED है। Assalamualaikum viewers, मैं हूँ मोहम्मद वसीम खान और आप देख रहे हैं गुल मोहम्मद इलेक्ट्रॉनिक्स LED पेशावर। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको हमारा जो एड्रेस है ये बताता हूँ। हमारा एड्रेस कारखानू किरान मार्केट शाह शॉपिंग सेंटर ए ब्लॉक 567 नंबर दुकान है गुल मोहम्मद इलेक्ट्रॉनिक्स, और कॉन्टैक्ट नंबर है 0324-61-68-624। इसके अलावा हमारी शॉप लाहौर में भी है, हाल रोड में चैनल सेंटर के साथ, शॉप नंबर 1 मुस्तफ़ा सेंटर गुल मोहम्मद इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, लाहौर में भी हमारे पास जो है लाट वाला, नया ओरिजिनल लाट वाला, और इसके अलावा चाइना हर तरह के LED और इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे साउंड बार हो गए, माइक्रोवेव वगैरह, ये सब चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पे भी हमारे पास जो है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स अवेलेबल है, जिस तरह से LEDs हो गए, लाट वाला जो LEDs है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये 65 इंच का लगा हुआ है, ये 65 इंच का है, सोनी है, सोनी एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड में ये होता है कि इसमें अपना प्ले स्टोर लगा हुआ होता है, ये प्ले स्टोर है, और ये सोनी है, ओरिजिनल है, सोनी जापान है, इसका जो है ये एंड्रॉयड है, इसमें प्ले स्टोर आता है, ये बिल्कुल 4K है, 65 इंच का है और बिल्कुल साफ कंडीशन में है, 10x10 कंडीशन में है, सोनी एंड्रॉयड है। उसके अलावा ये लगा हुआ है, ये 65 इंच का है, साइज यही है, ये LG में लगा हुआ है, वो सोनी जो है LG में, ये सोनी में है, ये LG में है, वो जो है एंड्रॉयड है, ये स्मार्ट है, ये भी बोस सॉफ्टवेयर वाला है, LG जो है ये भी बोस बनाता है और सोनी जो है वो एंड्रॉयड बनाता है। ये भी 65 इंच का है, LG का है, बिल्कुल 4K है, नया मॉडल है। इसके अलावा ये लगा हुआ है, ये 60 इंच का है, सोनी का है, ये सोनी जापान है, सोनी ब्रावियो है, 60 इंच का है, स्मार्ट है, यूट्यूब नेटफ्लिक्स सब कुछ चलाता है। उसके अलावा ये लगा हुआ है, ये सैमसंग का है, कर्व का है, ये सैमसंग कर्व है, ये देखिए यूट्यूब लगा हुआ है, ओरिजिनल सैमसंग का है। जिस तरह से आपको मैंने पहले भी बताया था, जो ओरिजिनल सैमसंग होगा उसका ये पहचान होगा कि सपोर्ट पे आके मेन्यू क्लिक करके सपोर्ट पे आके जब आप नीचे आते हो तो कॉन्टेक्ट सैमसंग लिखा हुआ होता है, कॉन्टेक्ट सैमसंग का जब आप क्लिक करते हो तो इसमें ये आपको अपना मॉडल नंबर, सीरियल नंबर सब कुछ शो करता है। ये इसका मॉडल नंबर है, मॉडल कोड UA55HU7200, ये इसका मॉडल नंबर है, और ये जो है ये इसका QR कोड आप स्कैन कर सकते हो। ये ओरिजिनल है, ये कर्व में है, सैमसंग में। उसके अलावा ये स्ट्रेट में है, ये सोनी का है, स्मार्ट है, बिल्कुल ऑल फीचर्स वाला है, यूट्यूब नेटफ्लिक्स सब कुछ चलाता है, ये 55 इंच सोनी है। उसके अलावा ये जो लगा हुआ है ये भी 55 इंच सोनी का है, ये एंड्रॉयड है, ये प्ले स्टोर वाला है। वो जो सोनी था वो स्मार्ट था, वो भी ओरिजिनल है, जापानी है, मगर उसमें प्ले स्टोर नहीं होता, ये जो है ये प्ले स्टोर वाला है, बिल्कुल 4K है। 4K की ये पहचान है कि जब आप 4K वीडियो पे करते हो यूट्यूब में तो वो उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो 2160 तक पहुँचता है, आम LED का रेजोल्यूशन 2160 तक नहीं पहुँचता। ये देखें, ये 2160 का रेजोल्यूशन शो करता है, वो जो होता है वो 2160 रेजोल्यूशन शो नहीं करता, 2160 जो होता है वो 4K होता है। उसके अलावा ये नीचे लगा हुआ है, ये LG का है, 55 इंच का है, ये LG है, 55 इंच है, वो सॉफ्टवेयर वाला है, 4K है। उसके अलावा वो जो लगा हुआ है ये भी 55 इंच LG का है, ये LG का है, 55 इंच का है, ये दोनों LG 55 इंच है, वो से ये सैमसंग का है, ये भी ओरिजिनल है, ये 50 इंच का है, सैमसंग का है। इसके अलावा बहुत सारे भाई जो थे वो साउंड बार की डिमांड कर रहे थे, ये हमारे पास आ चुका है, TCL का साउंड बार आ चुका है, ये इसका स्पीकर है, ये ऊपर है। पहले जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो वीजियो के थे, वो सिर्फ सिंगल स्पीकर थे, अब ये जो है ये ऊपर वाला भी हमारे पास आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि इसका अपना ऊपर है, इसकी बहुत बड़ी साउंड है, TCL का है। इसका मैं आपको साउंड भी चेक करा देता हूँ, ये जो है साउंड बार है और ये डबल में है, मतलब इसके साथ ऊपर भी है, स्पीकर भी है, ये आप इसका साउंड चेक कर सकते हो। मोहम्मद का नाम उन पर लाखों
देख सकते हैं ये साउंड बार है, TCL कंपनी का है, ओरिजिनल साउंड बार है, दुबई वाला है। ये जो है ये डबल में आता है, इसके साथ ऊपर भी है, स्पीकर भी है। इसके अलावा हमारे पास ये 65 इंच का लगा हुआ है, ये LG का, ये भी नया मॉडल है, बोस है। इसके अलावा ये 65 इंच सैमसंग का है, ये भी नया मॉडल है। ये जो चार लगे हुए हैं ये चारों LG का है, 55 इंच में है, ये चारों 55 इंच में LG है। उसके अलावा ये जो है ये 32 इंच का है, एंड्रॉयड है, प्ले स्टोर वाला है, ये TCL में ये भी पड़ा हुआ है, इसमें भी सब कुछ आता है। ये इसका मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर आप देख सकते हो। इसके अलावा ये सारे इसमें फंक्शन है, केबल, USB वगैरह, ऑप्टिकल वगैरह सब कुछ ऑप्शन इसमें है। इसके अलावा 32 इंच में हमारे पास फिर सोनी का भी लगा हुआ है, ये सोनी जापान है, ये भी 32 इंच में है, ये सोनी का है, ये 32 इंच है, सोनी का है। उसके अलावा फिर हमारे पास कर्व में OLED में भी आता है, ये जो लगा हुआ है ये कर्व में लगा हुआ है, OLED है, 55 इंच का है, OLED है, ये कर्व में आता है, ये 3D भी है और ये जो है OLED है। इस साइड से आप दिखा दे, बिल्कुल स्लिम ही नहीं है, बिल्कुल जो है नाखून की तरह स्लिम है ये वाला। और ये दूसरा बात, ये कर्व में इसको आप जिस एंगल से भी देखते हो, जिस साइड से भी देखते हो, ये पिक्चर ख़राब नहीं करता। उसके अलावा इसी के पीछे लगा हुआ है ये सैमसंग में, ये भी बिल्कुल स्लिम है, OLED की तरह है, सैमसंग में है, नया मॉडल है, ये भी बिल्कुल नया मॉडल है। उसके अलावा जो है हमारे पास ये सिंगल पीस का साउंड बार भी आता है, ये सिंगल पीस में है, ये सिर्फ एक ही पीस है, जो दूसरा था उसके पास ऊपर आता है, इसके पास ऊपर नहीं आता। उसके अलावा ये हमारे पास नए में है, हायर में है, सैमसंग में है, सोनी में है, ये सारे नए 55 इंच के है। उसके अलावा इस तरफ आए तो हमारे पास ये माइक्रोवेव पड़े हुए, ये भी नए है, सैमसंग के माइक्रोवेव है, नए है ये। उसके अलावा इस साइड पे आ जाए तो ये जो है ये 65 इंच सोनी का लगा हुआ है, ये जो है ये 65 इंच सैमसंग का है, ये भी 65 इंच सैमसंग की OLED है, ये 65 इंच LG है, ये 65 इंच सैमसंग है, मुख्तलिफ मॉडल है। ये जो है ये 75 इंच LG है, ये 75 इंच सैमसंग है। इसके अलावा 43 इंच में भी हमारे पास पड़ा हुआ है, ये वाला जो है ये 32 इंच का है, फ्रेम TV है, ये वाहिद LED है जो 32 इंच में QLED आता है, ये QLED है 32 इंच में, इसको फ्रेम TV बोलते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है ये इसका LS03 मॉडल है, फ्रेम TV, ये देख ले फ्रेम TV लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी QLED, ये सैमसंग का एक QLED है 32 इंच में, ये वाहिद LED है 32 इंच में की QLED है। उसके अलावा हमारे पास और भी लगे हुए, ये 50 इंच के लगे हुए हैं, ये सोनी एंड्रॉयड है 50 इंच में है, ये 50 इंच में है, ये जो लगा हुआ है ये सैमसंग का है 50 इंच में। मैं आपको इसका भी रिजल्ट दिखा देता हूँ जो 50 इंच में लगा हुआ है, ये आप इसका भी रिजल्ट चेक कर लें, ये 50 इंच का है, सोनी का है, बिल्कुल क्लियर रिजल्ट है इसका भी। और ये इसका खूबी है कि ये प्ले स्टोर वाला है, एंड्रॉयड है, ये देख रहे, ये बिल्कुल एंड्रॉयड है, प्ले स्टोर वाला है, इसमें अपना गूगल प्ले स्टोर आता है, ये देख ले प्ले स्टोर, इसमें सारे ऐप्स है, प्ले स्टोर हो गया, जो प्ले स्टोर से आप और भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि ये एंड्रॉयड है। उसके अलावा ये साथ में लगा हुआ है ये सैमसंग का, ये 50 इंच का है, ये जो है ये स्मार्ट आता है, सैमसंग जो होता है और LG वो स्मार्ट बनाता है और जो सोनी होता है वो एंड्रॉयड बनाता है। उसके अलावा ये पेनासोनिक का लगा हुआ है, ये फिर 50 इंच का है, ये 50 इंच का पेनासोनिक का है। उसके अलावा ये लगा हुआ है ऊपर 43 इंच का LG लगा हुआ है, इसका भी मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, ये भी बिल्कुल 4K न्यू मॉडल ले ली गई है, 43 इंच का ये LG का है, ये आप देख ले इसका भी, आप क्वालिटी देख लें, पिक्चर देख लें इसका, ये LG का है। हर LED का अपना पिक्चर क्वालिटी होता है, अपना आवाज़ होता है, हर LED का अपना पिक्चर साउंड क्वालिटी होता है, LG अलग साउंड क्वालिटी बनाता है, सोनी अलग बनाता है और सैमसंग अलग बनाता है। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये 50 इंच का, ये भी सोनी है, ये भी सोनी एंड्रॉयड है, ये उससे भी जो नया मॉडल है। उसके अलावा आगे आ जाए तो ये आप देख रहे हैं ये सैमसंग का है, 65 इंच का है, QLED है, ये Q60R मॉडल है इसका, सैमसंग का है। उसके अलावा ये जो लगा हुआ है ये 65 इंच का है, LG का है, ये भी बिल्कुल नया मॉडल है, इसका भी मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, ये 65 इंच का साइज, बड़ा साइज है ये,
ये भी 4K है बिल्कुल, मॉडल नया मॉडल है ये। ये 65 इंच का लगे हुए, जब तक ये प्ले होता है ये आप देख लें, ये हमारे पास फिक भी पड़े हुए, ये कर्व में है, OLED है 55 इंच का, ये कर्व में है सैमसंग का है, पीछे जो लगा हुआ है वो भी कर्व में सैमसंग में है, ये तीनों कर्व में है, ये 2 सैमसंग में है, ये 1 LG में है, उसके अलावा ये सैमसंग में लगा हुआ है, LG में लगा हुआ है 50 इंच का है, ये भी LG में 50 इंच का है, ये LG में 43 इंच का है, ये जो है ये 7 LED है। जिस भाई को केबल HDMI डिश वगैरह के लिए चाहिए, कैमरों के लिए चाहिए, उसके लिए ये LED बेस्ट है, क्योंकि ये जो है 7 LED है, इसमें केबल HDMI का पिक्चर खूबसूरत आता है। ये आप देख लीजिए, इसका भी पिक्चर क्वालिटी देख लें, 65 इंच है, ये देख लीजिए, इसमें भी 2160 का रेजोल्यूशन आता है, जो 2160 का रेजोल्यूशन आता है वो 4K है, बिल्कुल 4K और जेन्युइन चीज़ है। उसके अलावा इस तरफ आ जाए तो ये 43 इंच का सैमसंग का लगा हुआ है, ये 43 इंच का है, मॉडल बिल्कुल नया मॉडल है, बेजललेस मॉडल है, इसमें बिल्कुल बॉर्डर नहीं है। उसके अलावा ये जो लगा हुआ है ये 43 इंच का सोनी का लगा हुआ है, ये 43 इंच LG का लगा हुआ है, ये जो नीचे लगे हुए ये सारे 43 इंच के मुख्तलिफ मॉडल हैं, ये सारे 43 इंच के। उसके अलावा ये लगा हुआ है, ये 50 इंच का सैमसंग का लगा हुआ है, इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, सैमसंग का भी आप रिज़ल्ट चेक कर ले, ये भी बिल्कुल 4K है। आप इसका रिजल्ट देख ले, ये भी बिल्कुल 4K 2160 रेजोल्यूशन वाला है, ये HDR भी है, ये 4K HDR है, ये मॉडल नया है, सैमसंग का नया मॉडल है। उसके अलावा हमारे पास जूसर भी आ गए हैं, ये जो है बेस्ट्रॉन कंपनी का है, 4 पीस वाला जूसर है। उसके अलावा ये जो है ये 2 पीस वाला जूसर है, ये जो है ये 1 पीस वाला जूसर है, मुख्तलिफ मॉडल की जूसर है, ये सारे जर्मनी वाले ओरिजिनल है। ये आप सैमसंग का डिस्प्ले देख ले, उसके अलावा ये हमारे पास LED आए हुए हैं, ये सैमसंग का, ये आप देख ले, बिल्कुल स्लिम LED है, सैमसंग में है, बिल्कुल स्लिम है, 55 इंच में है, ये नया मॉडल है सैमसंग का। उसके अलावा ये सोनी में भी हमारे पास पड़े हुए 55 इंच के मुख्तलिफ मॉडल है, ये सोनी में है, इसके अलावा ये भी सोनी में लगा हुआ है, ये जो है ये भी सोनी में है, ये फिर LG में लगा हुआ है, मुख्तलिफ मॉडल लगे हुए हैं। उसके अलावा साथ में जो लगा हुआ है ये 50 इंच के सोनी है, ये 50 इंच का सोनी है, ये 50 इंच का QLED है, ये लॉट में भी हमारे पास QLED आया हुआ है, ये 50 इंच का एक QLED है। उसके अलावा ये जो है ये भी 50 इंच के मुख्तलिफ मॉडल है। उसके अलावा ये जो लगे हुए ये सारे नए मॉडल है, सोनी के नए मॉडल है, ये एंड्रॉयड भी है, 4K भी है, इसमें दोनों खूबी है, एंड्रॉयड भी है, 4K भी है। उसके अलावा इस साइड पे है तो हमारे पास ये नए लगे हुए सैमसंग का नया है, ये भी सैमसंग का नया है, ये सोनी का नया लगा हुआ है। उसके अलावा ये आप देख लीजिए LG का जो है बिल्कुल नया मॉडल है, UP7760 मॉडल है, इस मॉडल में ये खूबी मॉडल नया है, इस बिल्कुल आजकल जो नए पिन पैक में चल रहा है ये मॉडल है। उसके अलावा ये लगा हुआ है, ये 55 इंच में OLED लगा हुआ है, ये OLED है, ये बिल्कुल चूड़ी की तरह स्लिम होता है, बिल्कुल नाखून की तरह स्लिम है, ये जो है ये 55 इंच LG का लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत मॉडल है, सिल्वर बॉडी में आता है। ये फिर नए में हमारे पास 65 इंच TCL का लगा हुआ है, ये फिर 75 इंच TCL का है, ये जो है ये 85 इंच LG का है। उसके अलावा हमारे पास जो है माइक्रोवेव सैमसंग ओरिजिनल माइक्रोवेव आते हैं, ये देख ले, ये आप अंदर से देखा ले, बिल्कुल साफ माइक्रोवेव है, बाहर से भी आप देख ले, इसको देख ले, ये जो है ये भी माइक्रोवेव हमारे पास आया हुआ है। उसके अलावा ये जो ये नया हाइसेंस का आया हुआ है, ये 40 इंच का है, ये बिल्कुल नए पिन पैक में आया हुआ है। उसके अलावा ये हमारे पास माइक्रोवेव में नया आया हुआ है, ये शार्प का माइक्रोवेव नया है, ये जो है ये LG का माइक्रोवेव है, ये दोनों नए पिन पैक आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वैक्यूम क्लीनर जूसर वगैरह जो आम, ये जो ये तो ओरिजिनल वैक्यूम क्लीनर है, ये चाइना का जूसर है, ये भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा ये जो लगे हुए सारे 50 इंच के 55 इंच के मिक्स लगे हुए ये सारे लाट वाले हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल है।